तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। स्टॉक में इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी कामकाज करती है। इसको दो बिजनेस है, बट फर्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, तो इसी चीज़ पे जब बातें किया जाएगा। एनएससी बेसिस में लिस्टेड है। फंडामेंटल स्टार्ट होने से पहले बता दें दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें मार्केट कैप, तो 9542 करोड़ का इनका मार्केट कैप, मतलब स्मॉल कैप स्टॉक बोल सकते हैं। लेकिन अब बहुत ही जल्द कन्वर्ट हो जाएगा मिड कैप में, 10,000 के ऊपर गया मिड कैप में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट प्राइस चल रहा है 1163, हाई लगा चुका है 1465, लो है 374 रुपये का। स्टॉक पी है 123, तो स्टॉक पी की सबसे महंगा है। स्टॉक मैक्सिमम टाइम ये महंगा रहता है। इंडस्ट्री पी है 22, तो इंडस्ट्री पी की सबसे स्टॉक सस्ता है, मतलब इतना समझ लो मैक्सिमम टाइम ये स्टॉक महंगा ही रहता है। क्योंकि मैक्सिमम देखेंगे ना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली वाले स्टॉक क्या होते हैं, मैक्सिमम टाइम महंगे रहते हैं। लेकिन टेक्निकल से बहुत कुछ क्लियर होती है, तो वेट करिए और टेक्निकल तक बने रहिएगा। बुक वैल्यू 106 रुपये की। कंपनी डिविडेंड इट प्रोवाइड करती है 0.03% का, मतलब ना के बराबर कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। ROC 13% ROE है। 8% फेस वैल्यू 4 रुपये की है। प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.15, एनुअली प्रॉफिट हो रहा 66 करोड़ का, और डेब्ट है 131 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, इंडस्ट्री भी है 22, EPS है 9.45 रुपये की, फ्री कैश फ्लो 74 करोड़ निगेटिव में, प्लस परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरवी नहीं रखा गया है। आइए हम चलते हैं प्रोज की तरफ। उससे पहले बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया अपी स्टॉक और रेंजर वन का, दोनों का लिंक दिया गया, तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। अगर हम लोग प्रोस के अंदर देखें तो कंपनी एक्सपेक्टेड टू की गुड क्वार्टर, कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी अच्छा रिजल्ट ला करके देगी क्वार्टरली। कंपनी 5 सालों के अंदर 49% का गुड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रही है। आइए चलते क्वार्टरली नतीजे की तरफ, देखते हैं क्या है कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट। तो सितंबर वाले क्वार्टर में देखेंगे 41 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले सितंबर में 20 करोड़ का था, तो कहीं ना कहीं डबल होता हुआ दिख रहा है। जून में 40 करोड़ का, पिछले जून में 36 करोड़ का था, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा है जून वाले क्वार्टर का। बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, पिछले साल 7 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट आया था सितंबर में। जून में 18 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले साल 17 करोड़ का था, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके चल रही है कंपनी। क्वार्टर वाइज प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेसिस पे चेकआउट कर लें, टीटीएम में देखेंगे 166 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर रहा है, 2023 में 141, 2022 में 85, 2021 में 20 करोड़ का। तो कंपनी ईयरली वाइज ग्रोथ करती हुई दिखला रही है हमें, काफ़ी शानदार। अगर हम लोग बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 79 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो कर रहा है टीटीएम में, 2023 में 67, 2022 में 35, 2021 में 8 करोड़ का। तो कंपनी ईयरली वाइज क्वार्टरली वाइज दोनों एकदम रॉकेट बना फिर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट के मामले में, प्रॉफिट के मामले में क्या ऐसे है, बट क्या रिटर्न भी इस तरह से दे रहा है, हम ये चेकआउट करेंगे। टेक्निकल तक बने रहिएगा। कंपनी पहले आपको डिविडेंड नहीं पे आउट किया करती थी, ये देख सकते हो आप, लेकिन 2022-23 में डिविडेंड कंपनी पे आउट की 5% 9% तक का, ना के बराबर। तो अभी तो कंपनी डिविडेंड देना स्टार्ट की है। अगर कंपनी को अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलते रहे, अच्छी कंपनी प्रॉफिट अच्छे से लाती रहे, तो हो सकता है कहीं ये डिविडेंड इंक्रीज होकर के इंक्रीज हो जाए, यही 9 से 15 हो जाए, 15 से 30 हो जाए। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हम सिर्फ 12 महीनों का चेक करेंगे, क्योंकि बाकी सारे तो बेहतर हैं। तो TTM में 23% है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 42%, स्टॉक प्राइस CAGR 110%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। सारी चीज़ें 12 महीने के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम लोग बैलेंस शीट चेकआउट कर लें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है ना, ये हर साल इंक्रीज हो रहा है। वहीं कर्ज 131 करोड़ है, पहले 134 था, अभी 131 है। तो कंपनी का कर्ज थोड़ा सा डाउन हुआ, कम हुआ है, और कैश फ्लो निगेटिव में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाए
तो 50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, 8% की होल्डिंग है फाइज के पास, और पब्लिक पास 41% की होल्डिंग है। पब्लिक के अंदर इंडिविजुअल्स की होल्डिंग चेकआउट कर लेते हैं। तो पब्लिक के अंदर अभी ओपन हो रहा है, तो स्टॉक का नाम बता दें। इस स्टॉक का नाम इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड कंपनी का नाम है, और पब्लिक का होल्डिंग ओपन हुआ है, बट इंडिविजुअल्स की होल्डिंग नहीं है। और ये कंपनी क्या कामकाज करती है? उन्नीस सौ बानवे में इनकॉर्पोरेट हुई थी। द कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपोसाइट फ्लोरोलिमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक बसेस। तो इलेक्ट्रिक बसेस कंपनी तैयार करती है। अगर हम बात करें कंपनी की फंडामेंटल को लेकर के, तो कंपनी देखो ईयरली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस चल रही है। कंपनी महंगा है स्टॉक पे के हिसाब से, लेकिन इंडस्ट्री पे के हिसाब से भी सस्ता है। स्टॉक तो मीडियम में ये बोल के चल सकते हैं, क्योंकि अगर टेक्निकल अभी ओपन हो रहा, ओपन अभी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ रीज़न है नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से, बाकी सारी चीज़ें बेहतर है। कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते हैं। कंपनी सालाना 1 महीने में 150 बसेस तैयार कर रही है, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी को और भी इंक्रीज करना चाहती है, 150 से बढ़ा करके और भी करना चाहती है। उसके लिए कंपनी अभी तैयारी कर रही है, इन चीज़ों पे कामकाज जारी रखी है। तो अभी करेंटली क्या हो रहा है, स्टॉक ना नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। ये 1500 का हाई लगाया, 1459 के रुपये का हाई लगाया स्टॉक, अभी करेक्शन दिखला रहा है इतने का, 1037। हो सकता है स्टॉक इस लेवल तक आने की कोशिश करें, 900 के प्राइस तक। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक तरह का सपोर्ट जोन रहेगा, और एक तरह का अपॉर्चुनिटी भी रहेगा स्टॉक अंदर एंट्री लेने के लिए। और अगर इस प्राइस में मिल जाए 900 को, तो 34% का करेक्शन हो चुका है समझ लो, तो बहुत ही बेहतर। अगर 884 के प्राइस में 40% का करेक्शन, तो 40% का करेक्शन मायने रखता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर। और इन सब लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तब आएगा 590 रुपये के प्राइस में। तो ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना नीचे आना इम्पॉसिबल है। तो करंटली ये स्टॉक आपको दिखला सकता है टारगेट, ये तो अगर इधर कहीं अपने नज़रों में मिलता है, तो स्टडी पर्पज़ के लिए आप अपने नज़रों में बना करके रख सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा, ना कि बाय और सेल करने के लिए। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में अगर इसका टारगेट देखें, तो बहुत ही लंबा अच्छा टारगेट दिखला सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन जिन्हें सेफली खेलना रहता है स्टॉक मार्केट से, वो अपनी प्रॉफिट, अगर जैसे प्रॉफिट दिया ना 100%, 200% का प्रॉफिट दिख रहा है, तो सबसे पहला काम आपको अपनी कैपिटल निकाल लेनी चाहिए, सेव कर लेनी चाहिए। दोबारा अगर स्टॉक अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, दोबारा गिरता है, 40% की गिरावट आता है, तो री एंट्री करके चल सकते हैं। दोबारा हम प्रॉफिट बना सकते हैं उसी स्टॉक से, या फिर किसी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ वो पैसा लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे आप, कई स्टॉक्स रहेंगे। तो इस तरह से कुछ कामकाज करके चला जा सकता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं, तो अपने रिस्क बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।